24। रायगढ़ जिले के परमकिला ब्लॉक के एक गांव में 32 एकड़ सरकारी जमीन को गलत तरीके से नामांतरण करने की बात सामने आई है। पूरा मामला यह है कि ग्राम पंचायत सांकरा की 32 एकड़ खाली पड़ी जमीन, जो पंचायत रिकॉर्ड में गोठान, शमशान, खेल मैदान व गांव की निस्तारी के रूप में दर्ज है, उस जमीन पे गांव के एक दबंग व्यक्ति द्वारा राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करवा लिया गया है। रायगढ़ जिले के बरमकिला ब्लॉक के एक गांव में 32 एकड़ सरकारी जमीन के गलत तरीके से नामांतरण की बात सामने आई है। दरअसल पूरा मामला इस तरह है कि ग्राम पंचायत सांकरा की 32 एकड़ खाली पड़ी जमीन, जो पंचायत रिकॉर्ड में गोठान, शमशान, खेल मैदान व गांव की निस्तारी के रूप में दर्ज है, उस पर जमीन पे गांव के एक दबंग व्यक्ति द्वारा राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करवा लिया गया है। यह बात 2013 की है, जब सरपंच व कोटवार से छल पूर्वक दस्तखत करवा के पूर्व जनपद अध्यक्ष ने इस कार्य को अंजाम दिया। गांव के लोग इस बात से अनजान थे कि उनके निस्तारी की जमीन किसी व्यक्ति के द्वारा अपने नाम पर चढ़ा ली गई है। कुछ महीने पहले जब खाली पड़ी निस्तारी जमीन में बाहरी लोगों का आना जाना बढ़ने लगा, तो गांव वालों ने इसकी जानकारी ली। तब गांव के सरपंच को इस बात की सच्चाई का पता लगा कि यह जमीन तो गांव के एक दबंग द्वारा बेची जा रही है। सरपंच सहित गांव के अन्य जागरूक लोगों द्वारा इसकी शिकायत तहसीलदार बरमकेला व जिला कलेक्टर रायगढ़ से की गई। गांव वालों का कहना है कि यह जमीन ग्राम पंचायत की है, जिसमें बच्चों के लिए खेल मैदान बनना है। गांव में उसी जगह शमशान घाट तथा गोठान भी प्रस्तावित है। ऐसे में इस प्रकार से छल पूर्वक दस्तखत करवा के जमीन का नामांतरण का मामला सामने आने के बाद गांववासी पूरी तरह से आगे आकर जनहित के इस मुद्दे को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जिस दिन साइन किया गया था 7:20 पे मैं मुनादी कर रहा था गांव में, पानी एक एक बूंद गिर रहा था, उसी टाइम मेरे से सिग्नेचर लिया गया है। आपको क्या बताया गया, किस कागज में साइन करना है बताया? तहसीलदार के यहाँ जाना है, कुछ काम है बोले। आपको कब पता चला कि मेरे सिग्नेचर से 32 एकड़ गांव की जमीन किसी और व्यक्ति के नाम है? अभी 6 महीना पहले पता चला है मेरे को। मैं नहीं था यहाँ, बाहर था गांव में, नहीं था बाहर था। जब वहाँ से आया गांव से, तब गांव वाले सब बुलाए थे मेरे को। शिकायत आप लोग कहाँ की है इसकी? तहसीलदार के यहाँ लिख के दिए हैं। ये हमारे 1947 से पहले गांव के निस्तारीकरण के लिए ये सब जमीन छोड़ दिया गया था। तो अभी वो लोग फर्जी, रुद्र प्रताप प्रधान जी, वो फर्जी दस्तखत लेके लिंगेश्वर भोई जी, हमारे पूर्व सरपंच और कोटवार से फर्जी दस्तखत लेके, मान कि मेरा कुछ काम है बोल के ऐसे दस्तखत लेके उसको कानूनी तरीके से पट्टा बना लिए हैं। और हम लोग ये 32 एकड़ बस हमारे गांव के निस्तारीकरण के लिए है, और 5000 जनसंख्या है हमारे गांव में, और 5000 जनसंख्या के और कोई भी जगह नहीं है कि कहीं पर श्मशान घाट करे, कहीं पर चारागाह करे, कि कहीं पर गोठान करे, ये कोई भी जगह नहीं है हमारे गांव में। तो ये 5000 जनसंख्या कहां पर निस्तारीकरण होंगे, कहां पर निस्तार होंगे? ऐसे ही बात में हमको वो 2013 से ये प्रक्रिया चला है, तो हमको 2017 में जब बिक्री करने के लिए खरीदार आए तो हमको पता चला, और फिर हम लोग तहसीलदार के पास आवेदन लगा के वो माने कि हमारे सरपंच और कोटवार जी नोटरी करा लिए हैं कि हम लोग फर्जी दस्तखत दिए हैं बोल के। तो हम फिर तहसीलदार और हमारे सेशन कोर्ट और कलेक्टर महोदय के पास आवेदन लगाकर ये ज़मीन को माने कि निस्तारीकरण के लिए फिर छोड़ दिया जाए, ऐसे करके गुहारी किए हैं। अगर मान लीजिए प्रशासन आपकी गुहार नहीं सुनती है तो क्या करेंगे आप 5000 ज़मीन? हम लोग और आगे जाएंगे, और आगे से जो भी होगा, जो भी कष्ट होगा, जो भी कुछ भी होगा वो करेंगे, और हमारे गाँव के लिए ये ज़मीन को ले कर ही आएंगे। मैं अपने काम के लिए बरमकला गया था, और जल्दीबाजी में पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष मेरा काम है बोल के बाद एक सिग्नेचर ले गया, और मैं विश्वास करके उसको दे दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो दूसरे नाम में जमीन हड़प रहा है बोल के पता जब आपसे सिग्नेचर लिया गया, कब की बात है, कितना टाइम हो गया है? 2013 में। आपको कब पता चला कि ये जमीन गलत तरीके से मैं उसके नाम पे चढ़ गई, इसमें साइन मैं किया था? अभी 17 में चला है, 2017-18 में। इस बारे में आपने सामने वाले व्यक्ति से बात की, कुछ कहा कि आपने उस टाइम? हाँ, गांव में जमाए ये कहे थे भी, उनको बुलाए तो नहीं आए। मैं गांव में मंदिर में भी बोला हूँ कि मेरे को छल से मेरे से दस्तखत ले गया है बोल के। जो 32 एकड़ जमीन, ये पुराना इतिहास में ये सरकार शासकीय प्लाट था, वर्तमान अभी रुद्र प्रधान नाम के गोटिया उसको फर्जरी बनाकर पूर्व सरपंच से सिग्नेचर कराकर, ये हमारे चौकीदार से सिग्नेचर कराकर, तहसीलदार पटवारी से ये पट्टा बना दिया है।
आपको जानकारी इस बात की कब लगी कि जमीन? इसका जानकारी हमको ये मिला जब ये मैंने खरीदने के लिए बिकने के लिए तैयारी में ग्राहक आए तब हमको पता मिला। तो उसका कागज पत्र हम लोग नवन नक्शा निकाले और तत्काल तहसीलदार से हम लोग आवेदन लगाया कार्यवाही के लिए। तहसीलदार साहब उसका कार्यवाही किए, पेशी तारीख फारिख दिए, तो पर भी हम कलेक्टर के फिर आवेदन लगाए हैं। जिस समय जमीन की रजिस्ट्री हुई है उस व्यक्ति के नाम पे चढ़ी, उस टाइम के जो पटवारी थे उनसे आपकी कोई बातचीत हुई इस बारे में? नहीं, बातचीत उनसे नहीं हुई। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।